वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए पूरी प्रिपरेशन अब 100% बिल्कुल फिट होकर करनी है। बस माइंड में ये होता है कि हर थ्रो में अपना 100% देना है। कहीं ना कहीं जब तक मेरी लास्ट थ्रो नहीं होती और मेरी अच्छी थ्रो नहीं गई है तो एक अंदर बिलीव जरूर होता है कि लास्ट थ्रो तक तो मैं इतनी कर ही लूंगा, जितनी मैंने थ्रो की है उसके आसपास की तो मैं सोचता हूँ कि भाई मैं वहां पे तो मुझे करना ही है कुछ भी हो जाए। तो वो ज्यादातर उसमें सक्सेस ही मिलती है कि भाई हाँ मैं उतनी कर ही लेता हूँ। नहीं बिल्कुल, माइंड में तो सही बात बताऊं तो कहीं ना कहीं इंजरी का ही था, क्योंकि एक वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था माइंड में कि मैं 100% पुश कर सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि ट्रेनिंग में मैंने 2 सेशन किए थे इससे पहले तो वहां पे तो ठीक लग रहा था, पर फिर भी जब हम 100% जाते हैं कॉम्पिटिशन में तो कहीं ना कहीं माइंड में आ जाता है कि यार, और वेदर का भाई मैं बता रहा था कि थोड़ी ठंड हो गई थी, बारिश हो गई थी पहले कॉम्पिटिशन से, तो माइंड में वही था कि बार बार कि मैं पूरा अपने आप को पुश कर सकता हूँ कि नहीं। तो वो 2-3 थ्रो तक 3-4 थ्रो तक मैं करता रहा कोशिश, और वो माइंड में कहीं ना कहीं वो बैरियर बना रहा। फिर मुझे थोड़ा सा लगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ पुश, तो फिर मैंने और अपना अच्छे से फोकस करके और फिर अपना और अच्छे से वार्म करके एक्सरसाइज वगैरह करके, तो पहले मतलब कोशिश तो पहले भी करा लेकिन 5th थ्रो के आसपास मैंने फिर अपनी थोड़ी स्पीड बढ़ाई। कोच के पास गया था, कोच ने भी बोला कि थोड़ा स्पीड अप करो क्योंकि मैं काफी स्लो रन में ले रहा था, तो स्पीड बढ़ाई तो उसके हिसाब से फिर थ्रो में भी काफी वो इम्प्रूवमेंट आई। बस वही थोड़ा वेदर का और उसका चैलेंज था, थोड़ा इंजरी का माइंड में था, बाकी तो यही है कि डायमंड लीग का तो मैं बताना चाहूंगा कि डायमंड लीग के हमें काफी कॉम्पिटिशन मिलते हैं कम्पीट करने के लिए साल में, और ये पॉइंट्स जुड़ते हैं इससे क्योंकि यहाँ पे पॉइंट मिलने थे, दोहा में पॉइंट मिले हैं, लोजान में पॉइंट मिले हैं, तो हमको मेन फाइनल में जाना होता है इनसे, जो फाइनल इस बार यूजीन में है, तो उसके लिए पॉइंट चाहिए। सबसे मेन कंपटीशन डायमंड लीग का वहां पे रहता है जहाँ पे फाइनल डायमंड लीग होता है, फिर सभी का फाइनल मुकाबला वहां पे होता है। बाकी हाँ, अगर यही जगह मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में होता या एशियन गेम्स या दूसरी जगह पे होता तो शायद से मैं और ज्यादा अपने आप को पुश करता। यहाँ पे मैं टाइम ले रहा था कि कब मुझे अच्छा लगेगा और कब मैं अपना ज्यादा एफर्ट लगा पाऊंगा। और कंपटीशन का ऐसा है जी, अभी तो सबसे मेन वर्ल्ड चैंपियनशिप है, उससे पहले बीच में अगर हमको लगा, कोच को लगा, फिजियो को कि भाई पूरा हम कर सकते हैं अभी 100% पुश खुद को, तो उससे पहले कोई कंपटीशन हम देख लेंगे कि कंपीट कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन फिलहाल अभी वही है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए पूरी प्रिपरेशन अब 100% बिल्कुल फिट होकर करनी है। थैंक यू नीरज। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरा जी का, वो पूछ रहे हैं कि अर्लियर देयर वाज अ पैटर्न कि आपका फर्स्ट थ्रो वाज द बेस्ट और उसके बाद वो कम होता जाता था, बट अभी वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। उनका कहना है कि एट वर्ल्ड चैंपियनशिप लास्ट ईयर और लोजान डायमंड लीग आल्सो आपका बेस्ट थ्रो वाज नॉट द फर्स्ट वन। उनका क्वेश्चन है कि ये फिजिकल थिंग है और इज इट अ मेंटल थिंग, इफ देयर आर डिफरेंस इन योर ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटिशन प्रोसेस, और इज इट अ रिस्पॉन्स टू ग्रोइंग कॉम्पिटिशन एंड अडेप्टिंग टू द कंडीशन। नहीं, ये कोई मतलब इसमें कोई प्लानिंग नहीं होती है कि लास्ट में लास्ट तक खींच के रखना है, बस माइंड में ये होता है कि हर थ्रो में अपना 100% देना है, तो वो कुछ ना कुछ पॉइंट्स रह जाते हैं कि भाई ये है कि हाँ हम हमेशा बिल्कुल 89-89 की सभी थ्रो तो लगा सकते या एक ही जगह पे सब थ्रो लग सकती। हाँ, थोड़ा बहुत अप डाउन, 2-3 मीटर डाउन होती है, कोई अच्छी लग जाती है, कोई थोड़ी कम लग जाती है, तो ये कि हाँ फर्स्ट थ्रो मेरी काफी बार काफी अच्छी निकलती है, लेकिन अगर फर्स्ट थ्रो ना भी निकल पाए किसी कारण से, कुछ भी हो जाए बाई चांस, या पहली 2-3 थ्रो अच्छी ना जा पाए, तो मैं हमेशा वही बोलता हूँ कि लास्ट थ्रो तक अपने आप को रेडी रखना चाहिए। और कहीं ना कहीं मुझे एक बात तो मैं बोलना चाहूंगा, कहीं ना कहीं जब तक मेरी लास्ट थ्रो नहीं होती और मेरी अच्छी थ्रो नहीं गई है तो एक अंदर बिलीव जरूर होता है कि लास्ट थ्रो तक तो मैं इतनी कर ही लूंगा, जितनी मैंने थ्रो की है उसके आसपास की तो मैं सोचता हूँ कि भाई मैं वहां पे तो मुझे करना ही है कुछ भी हो जाए। तो वो ज्यादातर उसमें सक्सेस ही मिलती है कि भाई हाँ मैं उतनी कर ही लेता हूँ जितनी सोचते हैं कि भाई जो कंपटीशन चला हुआ है उस टाइम पे उसके आसपास थ्रो कर ही लेता हूँ। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि भाई काफी साल पहले ऐसा होता था कि क्या तो पता नहीं था इतना खेलने का या इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि मैं उतनी थ्रो नहीं कर पाता, लेकिन अभी ऑलमोस्ट उसके आसपास मैं थ्रो कर लेता हूँ, और वो मुझे लगता है कि वो खुद पे बिलीव होना चाहिए कि ये तो मुझे करना ही है आज। और बाकी तो बस वही है कि कोशिश फिर भी वही रहती है कि फर्स्ट थ्रो से ही हम खींच के चले बस।